गाइस अब नेक्स्ट 5 टू 7 डेज के अंदर हम एंटर करने वाले हैं 2024 के अंदर। पर 2023 एप्पल के लिए बहुत ही बढ़िया ईयर भी रहा और एक धमाकेदार ईयर भी रहा, क्योंकि अब आप जानते हैं कि 2023 के एंड में ही एप्पल को अपनी दोनों अल्ट्रा एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 एंड एप्पल वॉच सीरीज लाइक को बैन लगाना, मतलब अपने वॉचेस को बैन करना पड़ा यूएस के अंदर कुछ रीजंस की वजह से। पर लेट्स काउंट फॉर 2024 कि 2024 एप्पल के लिए कैसा ईयर यहाँ पे होने वाला है, जहाँ पे नेक्स्ट ईयर हम एप्पल से एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनका नया विजन प्रो हेडसेट जो लॉन्च हो सकता है फरवरी के अंदर, साथ में हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं नई आईपैड और मैकबुक्स को भी। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं कि 2024 में एप्पल कौन कौन से नए प्रोडक्ट्स में यहाँ पे लॉन्च कर सकता है और ऐसे कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो हमारे लिए भी यूज़ करने के लिए बेनिफिशियल हो सकते हैं, या उन प्रोडक्ट्स के अंदर हमें कुछ नए चेंजेस या कुछ नए हमें देखने को मिलेगा यहाँ पे नहीं मिलेगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो में और जानते हैं इन नए प्रोडक्ट्स के बारे में। तो यहाँ पे वीडियो हम स्टार्ट करते हैं और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को उसका पे प्रेस कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस यहाँ पे लेके आता रहता हूँ। तो आइए बढ़ते हैं आगे वीडियो की तरफ। गाइस मैं एप्पल से 2024 में एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि पूरे 5 ऐसे एप्पल प्रोडक्ट्स मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि एप्पल इस साल में यहाँ पे लॉन्च करे। तो ये जानते हैं उन प्रोडक्ट्स के बारे में। सबसे पहली चीज़ आती है एयरपॉड्स, जहाँ एप्पल लॉन्च कर सकते हैं अपने नेक्स्ट जनरेशन ऑफ एयरपॉड्स जो है एयरपॉड्स 4, जहाँ एयरपॉड्स 4 के अंदर हमें एक इम्प्रूव्ड ऑडियो, इम्प्रूव्ड लेटेंसी और बहुत सारी चीज़ें हमें यहाँ पे इम्प्रूव देखने को मिलने वाली है। साथ में जो एयरपॉड्स जो स्टेम का जो साइज होता है वो यहाँ हमें और ज़्यादा कम देखने को मिल सकता है। इससे मेरा कहने का मतलब ये है कि जैसे आजकल मार्केट में आप देखेंगे जो TWS हेडफोन्स चल रहे हैं इन ईयर वाले, जिनमें कुछ स्टेम्स नहीं होती है, वो डायरेक्टली भी ईयर में ऐसे ही लग जाते हैं। तो ऐसे कुछ ईयरफोन्स एप्पल यहाँ पे प्लान कर रहे हैं 2024 के लिए और आई होप कि एयरपॉड्स 4 जो होंगे वो उसी शेप के यहाँ पे होने वाले हैं। और गाइस यहाँ पे हम ये भी एक्सपेक्ट करके आ रहे हैं कि जो एप्पल है ना वो एयरपॉड्स 4 में 2 वर्जन यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं। पहला वर्जन होगा जो एक एक्सपेंसिव वर्जन होगा जिसके अंदर आपको सारे फीचर्स मिलेंगे जो आपको एयरपॉड्स प्रो के अंदर मिलते हैं। हालांकि एक दो फीचर की यहाँ पे पक्का कटौती होगी, क्योंकि अगर एप्पल सारे ही फीचर्स एयरपॉड्स प्रो वाले एयरपॉड्स 4 में दे देगा तो एयरपॉड्स प्रो भैया कौन लेगा। इसलिए जो एयरपॉड्स 4 का जो एक्सपेंसिव वर्जन होगा उसके अंदर हमें एक्टिव नॉइस कैंसिलेशन, डायनामिक हेड ट्रैकिंग और ऐसे बहुत सारे कमाल के फीचर्स भी हमें देखने को मिल सकते हैं। हो सकता है कि एप्पल कोई और नया फीचर यहाँ पे इन्वेंट कर दे। बट जो सबसे सस्ता वर्जन होगा वो आई थिंक एयरपॉड्स 3 जैसा होगा, या वो एयरपॉड्स 3 को रिप्लेस करेगा या वो एयरपॉड्स 2 को भी रिप्लेस यहाँ पे कर सकता है। अभी कुछ हम कह नहीं सकते पर ऐसा यहाँ पे हो सकता है। साथ में एयरपॉड्स 4 के अंदर में अपडेटेड यहाँ पे एयरपॉड्स केस मिलेगा जिसमें टाइप सी चार्जिंग होगी, साथ में मैकसेफ का भी सपोर्ट हमें मिलेगा कि हम टाइप सी भी उसको किसी भी चार्जर से यहाँ पे चार्ज कर सकते हैं और साथ में मैकसेफ या वायरलेस एसीडीज के थ्रू भी यहाँ पे उसको हम चार्ज कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोडक्ट जो यहाँ पे आता है आईपैड। अब दोस्तों हम देखिए जो आईपैड है ना, आईपैड से बहुत एक्सपेक्टेशंस है, क्योंकि जैसे ही एप्पल ने इस साल आईपैड के लिए फाइनल कट प्रो, लॉजिक प्रो जैसे सॉफ्टवेयर्स को यहाँ पे रिलीज करा तो हम ये मान सकते हैं कि हम आईपैड और भी कुछ चीज़ें यहाँ पे डिमांड कर सकते हैं। वो चीज़ आती है डिस्प्ले को लेकर। अब आप जानते हैं कि आईपैड प्रोस के अंदर, मैं खाली पर्टिकुलर आईपैड प्रो की बात कर रहा हूँ अभी, तो आईपैड प्रो के अंदर में जो डिस्प्ले भी देखने को मिलती है वो ओलेड डिस्प्ले में देखने को नहीं मिलती है वो आईपीएस पैनल नहीं, पर उसमें एप्पल ने कुछ सुपर रेटिना जो एक्सजेड डिस्प्ले आपको बोलता है ना, तो उसमें जो डिस्प्ले है ना उसमें बहुत भी कुछ चेंजेस यहाँ पे हो सकते हैं जो एक कॉम्पिटिशन को यहाँ पे बीट करने के लिए एप्पल को यहाँ पे करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे जो करंट आईपैड मॉडल्स है उनके जो डिस्प्लेस देखेंगे वो देखने में आपको बहुत ज़्यादा ब्राइट लगेंगी, रिफ्रेश रेट्स भी हमें बहुत हमें अच्छे देखने को मिलेंगे, पर जो उससे नीचे वाले मॉडल है आईपैड मिनी, आईपैड एयर, तो उनके अंदर हमें रेटिना डिस्प्ले ही देखने को मिलती है। लाइक जिस प्राइस पॉइंट पे वो इंडिया में स्पेशली लॉन्च होते हैं या वो इंडिया में बिक रही है, तो उस प्राइस पॉइंट पे हम एक बेटर डिस्प्ले यहाँ पे एक्सपेक्ट हम करते हैं और हमें यहाँ पे करनी भी चाहिए एप्पल से। तो अब की बार हम ऐसा एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एप्पल 2024 के अंदर अपने आईपैड प्रो के अंदर मिनी एलईडी बैकलाइट डिस्प्ले वाले आईपैड्स में यहाँ पे लॉन्च कर सकते हैं, जिसके अंदर में डीपर ब्लैक्स, बहुत ज़्यादा अच्छा कॉन्ट्रास्ट रेशियो, बहुत ज़्यादा पीक ब्राइटनेस और HDR कलर्स, बहुत कुछ हमें उस डिस्प्ले के अंदर देखने को मिल सकता है। क्योंकि मार्केट में अभी जो विंडोज लैपटॉप्स आ रहे हैं या इवन जो आईपैड्स या जो भी टैबलेट आ रहे हैं ना, तो उनके जो ओलेड डिस्प्ले है वो बहुत कम प्राइस रेंज में आ रही है। इवन इतना प्राइस पे करने के बावजूद भी अगर हमें आईपैड एयर, आईपैड मिनी या आईपैड प्रो के अंदर अच्छी फ्लैशिप लेवल की डिस्प्ले देखने को ना मिले तो फिर यूज़ ही क्या है, हम इतना प्राइस पे ही क्यों करेंगे। तो एप्पल उस कॉम्पिटिशन को काटने के लिए ना वो चीज़ यहाँ पे लॉन्च कर सकता है। नेक्स्ट चीज़ आती है कि एप्पल जितने भी एप्पल के आईपैड्स हैं जो अभी एप्पल सिलिकॉन पे चल रहे हैं, आई मीन टू से जो एप्पल की एम सीरीज सिलिकॉन पे चल रहे हैं, चाहे वो M2 हो चाहे वो यहाँ पे M1 हो, और ऐसे आईपैड मिनी और सॉरी आईपैड एयर वो चल रहा है यहाँ पे एप्पल की M1 चिपसेट पे और आईपैड प्रो जो है वो चल रहा है एप्पल की M2 चिपसेट पे।
तो हमें एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एप्पल अपनी सारे आईपैड लाइनअप मॉडल्स को, जो तीन आईपैड लाइनअप है जैसे आईपैड मिनी, आईपैड एयर और आईपैड प्रो, इन तीनों के अंदर हमें एप्पल की नई M3 चिपसेट यहाँ देखने को मिल सकती है। जो यहाँ पे बेस लेवल का जो आईपैड है जो स्टार्ट होता है आई गेस 45,000 रुपीज से, इसके अंदर हमें करंटली A14 बायोनिक चिपसेट मिलती है, तो हो सकता है कि एप्पल उसके अंदर A16 या A17 चिपसेट यहाँ पे दे दे। पर अभी फिलहाल वो आईपैड की कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि वो आईपैड यहाँ अपडेट होगा ही होगा, पर ये तीन आईपैड मॉडल से मुझे काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशन है कि एप्पल इन तीनों के अंदर एटलीस्ट एप्पल अपनी M3 चिपसेट यहाँ पे डाल दे, ताकि यूजर्स जो है वो कम लेवल पर, कम प्राइस पे भी जो आईपैड मिनी है वो कम प्राइस में मिलता है, तो करीबन कम प्राइस पे भी हम उस चीज़ को यहाँ पे अवेल कर पाए, वो फ्लैगशिप लेवल परफॉर्मेंस यहाँ पे अवेल कर पाए जो तो आईपैड प्रोज यहाँ पे खरीद नहीं सकते। नेक्स्ट चीज़ ये निकल के आती है कि जो आईपैड प्रो के जो आईपैड प्रो होंगे वो और ज़्यादा यहाँ पे स्लिम हो जाएंगे, मतलब जो करंटली जो भी सेल हो रहे हैं उससे और ज़्यादा यहाँ पे पतले हो जाएंगे, ताकि हमें ईजी टू कैरी हो और एक मज़ा है यार यूज़ करने का, क्योंकि जब आईपैड जितना ज़्यादा चौड़ा होगा ना उसको हमें यूज़ करने में, हैंडल करने में बहुत इशू आएगा, पर जितना वो पतला होगा तो उतने ही हमें उसको यूज़ करने में मज़ा आएगा। अब दूसरी चीज़ ये भी आती है, आप लोग कहोगे भाई जितना पतला होगा उतना फिर टूटने का भी डर रहेगा, डिस्प्ले का भी टूटने का डर रहेगा, तो देखिए भैया वो एप्पल है, एप्पल जो चीज़ यहाँ पे इंप्लीमेंट करता है ना वो बहुत इतने क्रिएटिव तरीके से करता है ना कि हम उसको यूज़ भी कर पाते हैं और हम बेझिझक उसको लाइक कहीं गिर जाए या कोई टूट जाए, ऑब्वियसली आईपैड बहुत डेलिकेट चीज़ है आपको कवर लेना पड़ेगा, पर एप्पल उसको किसी तरीके से यहाँ लॉन्च करेगा कि वो चीज़ यहाँ पे अफेक्ट ना हो। अब गाइज नेक्स्ट प्रोडक्ट आता है एप्पल वॉच। अब एप्पल वॉच के लिए मैं स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, थोड़ा मैं आपको एक बैकग्राउंड देता हूँ। जब आईफोन 10 लॉन्च हुआ था 2017 के अंदर, क्योंकि एप्पल ने उस टाइम 10 ईयर्स की जो एनिवर्सरी है आईफोन की वो सेलिब्रेट की थी, और एप्पल ने एक अपडेटेड आईफोन यहाँ पे लॉन्च किया विद नए एक नए डिज़ाइन के साथ, तो अब की बार अब एप्पल वॉच 10 जब यहाँ पे लॉन्च होगी, एप्पल वॉच सीरीज 10 या एप्पल वॉच X जब यहाँ पे लॉन्च होगी, क्योंकि एप्पल की वॉच को 10 साल यहाँ पूरे हो जाएंगे, तो हम एक मेजर अपग्रेड यहाँ पे एक्सपेक्ट कर सकते हैं एप्पल की तरफ से, क्योंकि एप्पल की हिस्ट्री रही है। एक बार मैं अगर आईफोन 10 को देखूँ, जब आईफोन 10 यहाँ पे लॉन्च हुआ था तो एक हाइप सी क्रिएट हो गई थी, एप्पल ने बिल्कुल ही नया डिज़ाइन यहाँ पे लॉन्च किया, आईफोन 8 तो बिका ही नहीं, लोगों ने सबसे ज़्यादा आईफोन 10 को खरीदा, तो इस बार हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एप्पल वॉच सीरीज 10 के अंदर हमें एक मेजर यहाँ पे अपग्रेड यहाँ देखने को मिलेगा। क्या क्या चीज़ें हमें देखने को मिलेंगी मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ। सबसे पहली चीज़ हमें देखने को मिलेगी, एक मिलेगी बिल्कुल रीडिज़ाइन एप्पल वॉच, जिसके अंदर सबसे पहली चीज़ होगी वो होगी बैंड्स को लेकर, जहाँ पे जो करंटली अगर हम एप्पल वॉच यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो उसके अंदर हमें बटन मिलता है, हम बटन के अंदर प्रेस करके उस एप्पल वॉच के बैंड को यहाँ पे लगाते हैं, तो अब की बार ऐसा हो सकता है कि एप्पल वॉच सीरीज 10 के अंदर हमें मैग्नेटिक बैंड्स यहाँ देखने को मिले, जहाँ मैग्नेट के थ्रू जो हमारे बैंड्स हैं वो हमारे एप्पल वॉच के केस से चिपक जाएंगे और इजीली हम यहाँ पे उनको रिमूव भी कर पाएंगे। पर इसके अंदर सबसे बड़ी डिसएडवांटेज ये निकल के आती है कि हर बार क्या होता है कि हम अपने जो पुराने एप्पल वॉचेस के जो बैंड्स होते हैं हम उसको नई एप्पल वॉच में यूज़ कर लेते हैं। अगर ये टेक्नोलॉजी एप्पल लेके आता है तो आपको जो पिछले साल के जो एप्पल वॉच के बैंड्स होंगे वो कहीं किसी काम के आपके नहीं रहेंगे, तो आपको नए एप्पल वॉच के बैंड्स यहाँ पर खरीदने पड़ेंगे। साथ में अगर थर्ड मार्केट में अगर आप आउटसोर्स करते हैं, बाहर से अगर आप जाते हैं, तो बाहर भी इतनी जल्दी वो मैग्नेटिक वाले एप्पल वॉच बैंड्स आपको देखने को नहीं मिलेंगे, तो आपको एप्पल के एक्सपेंसिव एप्पल वॉच के बैंड्स खरीदने पड़ेंगे, तो ये एक डिसएडवांटेज निकल के आती है अगर एप्पल वो मैग्नेटिक वाली चीज़ लेके आता है तो। पर हमें एप्पल वॉच सीरीज 10 के अंदर मेजर रीडिज़ाइन यहाँ देखने को मिलेगा, क्योंकि इस मैकेनिज्म से क्या होगा कि जो एप्पल वॉच का जो केस की जो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर सपोज मैं अपनी एप्पल वॉच खोलूँ तो यहाँ पे जो ये स्पेस है ना, ये एप्पल और ज़्यादा इसको यूटिलाइज कर पाएगा, मतलब जो केस है वो यहाँ पे बड़ा हो जाएगा, हमें एक बड़ी बैटरी देखने को मिलेगी, इससे क्या हुआ बड़ी बैटरी होगी तो हमें अच्छा बैकअप देखने को मिलेगा और साथ में एप्पल को सेंसर्स लगाने की और यहाँ पे स्पेस मिल जाएगी। अब बात करिए सेंसर्स की, तो आगे बात कर लेते हैं, तो इसके अंदर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एप्पल का दो नए सेंसर्स, जो आता है BP यानी ब्लड प्रेशर और साथ में स्लीप एनीमिया। ये गाइस जो दो सेंसर्स हैं ये हमें देखने को मिल सकते हैं, जब BP की मदद से आप अपना ब्लड प्रेशर को यहाँ पे मेजर आप कर सकते हैं। अभी तक फिलहाल जो हमें हार्ट रेट सेंसर यहाँ देखने को मिलता है वो हमारी हार्ट बीट को मेजर करता है कि बीट्स पर मिनट हमारा हार्ट कितना यहाँ पे बीट कर रहा है, या कोई भी अगर एप्पल वॉच को कुछ भी यहाँ दिक्कत लगती है तो वो हमें नोटिफिकेशन के थ्रू यहाँ पे बता देता है। तो अभी तक हमें एप्पल वॉच पे BP यहाँ पे चेक नहीं कर सकते, तो वो चीज़ भी एप्पल यहाँ पे लेके आने वाला है एप्पल वॉच सीरीज 10 के अंदर। तो गाइस देखिए जो एप्पल का नया सेंसर होगा जो होगा स्लीप एपनिया, तो इसके अंदर क्या होगा कि एप्पल ये चीज़ चेक करेगा कि जब आप सो रहे हैं तो आपके सोने के टाइम पे कुछ ब्रीदिंग इंटरप्शंस तो नहीं हो रही, मतलब आपको सांस लेने में दिक्कत तो नहीं हो रही। अब वो चीज़ कैसे मेजर होगी, जो आपका जो हेल्थ डेटा होगा, जो स्लीप ट्रैकिंग अगर आपने ऑन कर रखी है एप्पल वॉच के अंदर, अगर एप्पल वॉच आप पहन के सो रहे हैं तो जो आपकी स्लीप ट्रैकिंग का जो डेटा होगा और साथ में जो आपका हेल्थ का डेटा होगा, उन सबको मर्ज कर एप्पल ये चीज़ आपको आपकी जो एप्पल वॉच है
वो आपको ये चीज़ बताएगी कि आपके सोने के टाइम पे आपको ब्रीथिंग लेने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, मतलब नॉर्मल आप ब्रीथ कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आपको जब आप सो रहे हैं तो आपको ब्रीथिंग में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही। तो ये सब चीज़ें आपको एप्पल इस सेंसर की मदद से यहाँ पे बताएगा। तो ये तो नए सेंसर हमें यहाँ देखने को मिल सकते हैं एप्पल वॉच 10 के साथ। साथ में और भी कुछ नई चीज़ें हमें देखने को मिल सकती हैं, जहाँ पे एक अच्छी डिस्प्ले हमें और देखने को मिल सकती है, या फिर हो सकता है कि एप्पल सारे ही मॉडल्स में अपनी ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को यहाँ पे दे दे, क्योंकि फिलहाल अभी एप्पल वॉच ऐसी के अंदर हमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले नहीं मिलती है। तो हो सकता है कि इस बार जो एप्पल वॉचेस लॉन्च होंगे सब में ही हमें AOD यहाँ पे देखने को मिल जाए। साथ में और भी कुछ नए फीचर्स होंगे उनमें आने वाली चीज़ें यहाँ पता चलेगी जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सितंबर की तरफ। पर फिलहाल अभी यही है मेरी एक्सपेक्टेशन कि एप्पल एटलीस्ट इसके अंदर बहुत सारे फीचर्स दे जिससे यूजर्स की और लाइक यहाँ पर एडमिशन हो जाए। अब गाइज नेक्स्ट चीज़ आती है आईफोन को लेकर। भैया जहाँ पे एप्पल वॉच की बात हो रही है, आईपैड की बात भी हो गई, तो आईफोन को कैसे हम छोड़ सकते हैं। अब आती है नेक्स्ट चीज़ आईफोन 16 को लेकर। देखिए आईफोन 16 की डेडिकेटेड वीडियो मैंने बनाई भी अपने चैनल के ऊपर, वो आपको मिल जाएगी, मैं आपको शॉर्ट में यहाँ पे बता देता हूँ। तो आईफोन 16 के अंदर हमें एक नया डिज़ाइन चेंज देखने को मिलेगा। अब तक क्या था कि एप्पल ने आईफोन 13 से जो अपने कैमरा का जो डिज़ाइन था वो डायगनल कर दिया था, पर वापस से ये रूमर्स बहुत ज़्यादा आ रहे हैं कि एप्पल वापस से वर्टिकल डिज़ाइन पे शिफ्ट हो रहा है, जो हमें आईफोन 12 में देखने को मिलता था। तो इस बार आईफोन 16 के अंदर हमें वर्टिकल डिज़ाइन यहाँ देखने को मिलेगा कैमराज के अंदर। साथ में एप्पल अपने जो प्रो सीरीज़ के जो आईफोन्स होंगे 16 प्रो, 16 प्रो मैक्स, तो उनके अंदर एप्पल एक नया बटन यहाँ पे ऐड कर रहा है जो यहाँ पे कैप्चर बटन। कैप्चर बटन में क्या होगा कि आप वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, उस बटन को दबा दबा फोटोज यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो वो बटन आपका बिल्कुल एक्शन बटन की तरह होगा, जहाँ पे उसके अंदर आपको जब उसको दबाएंगे तो आपको हैप्टिक फीडबैक देगा, आपको लगेगा कि बटन वो प्रेस हो रहा है, पर वो प्रेस नहीं होगा, वो आपको हैप्टिक फीडबैक देगा। जैसे मैकबुक्स के अंदर हमें एक हैप्टिक वाला यहाँ पे टच पैड मिलता है, तो वो सेम टेक्नोलॉजी एप्पल उसके अंदर यहाँ पे यूज़ करने वाले हैं। नेक्स्ट चीज़ ये आती है कि जैसे अब की बार क्या था कि आईफोन 14 से लेकर आईफोन 15 तक, तो एप्पल ने क्या किया कि एप्पल ने जो अपनी जो चिपसेट है वो प्रो मॉडल्स पे नई बनी थी, और जो पुराने मॉडल्स हैं जो लोअर मॉडल्स हैं तो उसमें एप्पल ने पिछले जनरेशन के जो आईफोन्स थे उनकी चिपसेट यहाँ पे डाली हुई थी, पर अब एप्पल इसमें चेंज कर रहे हैं। गाइज अब जो नेक्स्ट आईफोन सीरीज जो आने वाली है 16, 16 प्रो, प्रो मैक्स, तो उनके अंदर आपको अपडेटेड एप्पल की 3 नैनोमीटर पे बनी हुई A18 चिपसेट यहाँ देखने को मिलेगी। यानी कि जो प्रो मॉडल्स होंगे उसके अंदर आपको A18 प्रो या प्रो ऐसा कुछ आपको मिलेगा, पर जो नॉर्मल मॉडल्स होंगे उसके अंदर आपको नॉर्मल A18 चिपसेट यहाँ देखने को मिलेगी। तो दैट्स अ ग्रेट न्यूज़, जहाँ पे हम लोअर एंड मॉडल्स में भी हमें एक एप्पल की अपडेटेड लेटेस्ट चिपसेट यहाँ देखने को मिलेगी। क्योंकि देखिए ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि एप्पल क्या कर रहा था, अब तक इतना प्राइस चिपसेट यहाँ पे दे रहा था, तो लोग क्या कर रहे थे कि लोग आईफोन पे अपग्रेड ही नहीं कर रहे थे, पर अब की बार अगर ये चीज़ होगी तो लोग आईफोन पे अपग्रेड करना यहाँ पे पसंद करेंगे। साथ में आईफोन 16 के अंदर एप्पल जो है वो साइज डिस्प्ले का साइज यहाँ बढ़ाने वाला है, जहाँ पे आईफोन 16 प्रो मैक्स के अंदर आपको 6.9 इंच तक की डिस्प्ले यहाँ देखने को मिलेगी। साथ में जो आईफोन 16 और 16 प्लस होंगे उनका भी डिस्प्ले यहाँ का जो साइज है यहाँ पे इंक्रीज होने वाला है। तो इस बार आईफोन 16 के अंदर हमें बड़ी डिस्प्ले यहाँ देखने को मिलने वाली है, साथ में डायनामिक आइलैंड वो यहाँ पे रहेगा। साथ में एप्पल अपनी आईफोन 16 प्रो सीरीज के अंदर एक्सक्लूसिव 48 मेगापिक्सल का वाइड एंगल लेंस भी हमें देखने को मिलने वाला है, जो हमें वाइड एंगल फोटो और बेहतर तरीके से यहाँ पे कैप्चर करने में यहाँ पे हेल्प करेगा। साथ में इसके अंदर वाईफाई 7 हमें देखने को मिलने वाला है, और साथ में फास्टर 5G की चिपसेट हमें देखने को मिलने वाली है। इस बार एप्पल अपने आईफोन के अंदर क्वालकॉम की चिपसेट यहाँ पे यूज़ करने वाला है, जाकि एक 5G एडवांस आपको देखने को मिले, 5G का एक अच्छा वर्जन आपको यहाँ पे देखने को मिले अपने आईफोन 16 के अंदर। अब लास्ट प्रोडक्ट हमारा आता है एप्पल का विजन प्रो। अब जब एप्पल ने अपने विजन प्रो को यहाँ पे लॉन्च मतलब अनवील किया था WWDC के अंदर, तो वो तब से ही हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, क्योंकि वो विजन प्रो की जो कैपेबिलिटीज़ हैं, उसका काम करने का तरीका है, एक नया वर्ल्ड में हम एंटर कर जाते हैं AI के अंदर, तो हम बेसब्री से उसका बहुत ज़्यादा यहाँ पे वेट कर रहे हैं। हालांकि इंडिया में मुझे पता है लोग इतना वेट नहीं कर रहे, क्योंकि जो उसका प्राइस होने वाला है वो बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव होने वाला है, पर जो बाकी कंट्रीज़ हैं, जो बड़े बड़े क्रिएटर्स हैं, जो लोग हैं, वो उसको ऑलवेज यहाँ पे ट्राई आउट करेंगे। तो विजन प्रो ये एक्सपेक्टेड है कि फरवरी के अंदर यहाँ पे लॉन्च हो सकता है US, बाकी कंट्री US और कनाडा में लॉन्च होगा, बाकी कंट्रीज़ में कब तक लॉन्च होगा वो हमें नहीं पता। क्योंकि अगर आप अभी आप एप्पल की इंडिया वाली वेबसाइट यहाँ पे चेक करेंगे तो विजन प्रो का कहीं से कहीं तक यहाँ पे जिक्र नहीं है, पर जो US वाली वेबसाइट है उस पर एप्पल ने विजन प्रो का यहाँ पे डाला हुआ है। तो मोस्ट एक्सपेक्टेड ये एक्सपेक्टेशन है कि एप्पल फरवरी के अंदर US के अंदर स्पेसिफिकली यहाँ पे विजन प्रो यहाँ पे लॉन्च करने वाला है, ताकि वो एक टेस्टिंग फेज में आ सके कि लोग यहाँ पसंद इसको कर रहे हैं यहाँ पे नहीं कर रहे। क्योंकि गाइस देखिए जो एप्पल विजन प्रो है ना, वो एप्पल उसके पास देखते हैं फ्यूचर ऑफ AI, जब AI को यूज़ करके या फ्यूचर ऑफ कंप्यूटर यहाँ पे एप्पल बोलता है कि जहाँ पे विजन प्रो फ्यूचर है, कि जहाँ पे आप अपने बस एक आपने स्पेक्स वाई का आपने ग्लास पहना हुआ है, और आप अपने हैंड कंट्रोल से अपनी मूवमेंट से अपनी बॉडी की मदद से आप एक कंप्यूटर को यहाँ पे कंट्रोल आप कर रहे हैं।
तो आप देख लो कि यहाँ पे कितना आगे टेक्नोलॉजी यहाँ पे पहुँच गई है। यहाँ पे हम अपनी बॉडी की मदद से हम टेक्नोलॉजी को यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं। जो है विजन प्रो के अंदर हमें कोई भी कीबोर्ड माउस अटैच करने की जरूरत ही नहीं है, उसमें इनबिल्ट स्पीकर और इनबिल्ट डिस्प्ले सब कुछ यहाँ पे है। हमें बस अपने हैंड मूवमेंट्स को यहाँ पे कंट्रोल करना है। तो देखिए कितनी बेटर यहाँ पे चीज़ निकल के आती है, क्योंकि उसका जो प्राइस है ना वो $3500 है, और इंडिया में करीब करीब हम देखें तो वो करीब 4 से 5 लाख रुपए तक का वो यहाँ पे लॉन्च होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में एटलीस्ट उसकी इतनी डिमांड होगी, पर अगर हमें मौका मिलेगा तो हम ज़रूर यहाँ पे ट्राई आउट यहाँ पे इसको करेंगे। तो गाइज ये सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था कि जो मेरी एक्सपेक्टेशन है कि एप्पल उनको यहाँ पे लॉन्च करे 2024 के अंदर। तो बढ़ते हैं 2024 में, वहाँ जानते हैं कि एप्पल इन प्रोडक्ट्स को लॉन्च करता है यहाँ पे नहीं करता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पर बहुत पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए, क्योंकि मैं आपके ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोज़ यहाँ पे लेके आता रहता हूँ। आपने कर दिया है तो चलिए मिलता हूँ आपसे आने वाली वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।